अनिल पाटिल पर लिखा मुकदमा, व्यापारियों ने किया विरोध, मिले एडीजी से। आपको बताते चले, दुकान के विवाद को लेकर अनिल पाटिल पर कोतवाली में लिखा मुकदमा को लेकर राष्ट्रीय जागरण उद्योग व्यापार मंडल के मंडल प्रभारी विशाल मल्होत्रा और संयोजक अमित भारद्वाज के नेतृत्व में अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन से मिले, जाँच कर उचित कार्रवाई की मांग की। अमित भारद्वाज ने कहा कि राष्ट्रीय जागरण उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री अनिल पाटिल के खिलाफ बिना किसी साक्ष्य के रकम हड़पने। ऋतुराज पाटिल, मैं अनिल पाटिल जी का पुत्र हूँ। मेरे पापा ने इस दुकान का सौदा किया था, इस दुकान का सौदा हुआ था, इस दुकान के रिगार्डिंग पूरा एक नंबर में और सब कुछ सही तरीके से पैसे दूसरी पार्टी को दिए गए हैं, 30 लाख बतौर, जिसमें से डिटेल्स आपको दे दी जाएंगी। और हम लोग अभी पुलिस अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं। इसके बावजूद भी जब कल पुलिस ऑफिसर जो थे, मेरे हिसाब से वो दरोगा थे, चौकी इंचार्ज जो थे, वो दुकान पर आए, काफ़ी बदतमीजी करी गई, मेरे साथ बदतमीजी करी गई और दुकान पे जो स्टाफ बैठा था उनके साथ बदतमीजी करी गई, हमारे राजकुमार राजपूत जी अंकल जो हैं उनके साथ बहुत बुरी तरीके से बदतमीजी करी गई, काउंटर उठाए गए और दुकान पे कब्जा होने के बावजूद अभी हम उस जिस दुकान का सौदा हुआ है उस दुकान के ताले तोड़े गए हैं, जहाँ पे हमारा सामान, ये सोने का सामान, आइटम्स वगैरह सब कुछ रखे हुए थे, जिसका आगे हम काम करने वाले थे, वो भी चोरी हो चुके हैं और हमें निष्पक्ष जांच की हम रिक्वेस्ट करते हैं और मुकदमा जो दर्ज हो रहा है, जो दर्ज होना है वो ठीक तरीके से हो, सारी जांच ठीक तरीके से हो। आलमगिरीगंज हमारे जिला महामंत्री भाई अनिल पाटिल जी का एक दुकान का मैटर है, जिसमें माननीय जिला कोर्ट का निर्णय भी है ना, स्टे आया हुआ है, उसके बावजूद भी रकम हड़पने की नियत से साजिशन एक मुकदमा हमारे भाई के खिलाफ लिखवा दिया गया, जिसके विरोध में हम माननीय एडीजी महोदय से मिले हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि हमारे साक्ष्य भी देख लिए जाएँ कि किस तरह से पुलिस ने खुद पार्टी बनकर लड़के के साथ बदतमीजी की, हमारे जिलाध्यक्ष के साथ बदतमीजी की, इससे साफ प्रतीत होता है पुलिस पार्टी बनकर कार्य कर रही है। हमने माननीय डीजी महोदय से इतना ही निवेदन किया है, इस मामले की निष्पक्ष जांच करा लें, जो भी दोषी हो कार्रवाई करें, अगर हमारा भाई भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मामला एक दुकान को लेकर मैटर है, जिसमें व्यापारी साफ कह रहा है, वो वीडियो हम आपको उपलब्ध कराएंगे, कि यहाँ 34 लाख रुपये पहुँचे हुए हैं, बाकायदा एक नंबर में रकम दी गई है, वो चाहते हैं रकम हड़प ली जाए। अब उसकी दुकान की कीमत बढ़ गई होगी, किसी और को बेचनी होगी इनको, इसलिए वो रकम हड़पने की नियत से मुकदमा दर्ज कराया गया है। ये बहुत बड़ी साजिश है, इसका खुलासा होना चाहिए। ये कोई अग्रवाल साहब हैं जी, सचिन अग्रवाल जी हैं, और शायद कोई इस अग्रवाल सम्मेलन भी था कल, तो सारे अग्रवाल नेता उनकी पैरवी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ जातिवाद ना हो, भेदभाव ना हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो, ये हमारी राष्ट्रीय जागरण उद्योग व्यापार मंडल की मांग है। उनकी रकम हड़पने की नियत है, उसके सारे साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं, सारी वीडियोज मौजूद हैं, उनकी पत्नी भी स्वीकार कर रही हैं कि हाँ पैसे आए हैं, किसी व्यापारी के पैसे ऐसे हड़प लोगे आप, मुकदमा दर्ज करा के आप चाहते हो कि उसके बेमानी कर ली जाए। आपने ऑनलाइन दिए हैं या फिर कैश? ट्रांजेक्शन बकायदा ऑनलाइन हुआ है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी हुआ है, चेक से पैसे गए हैं और सोने की जो खरीदारी हुई है वो उन्होंने स्वीकार भी किया है। और पैसे जो दिए उन्होंने